कराहल में जनजातीय गौरव दिवस भव्य रैली निकालकर मनाया गया। आपको बता दें कि रैली का शुभारंभ शहरिया विकास परिषद के पदाधिकारियों ने पनवाड़ा तिराहे से मुख्य बाजार होते हुए करियाधे तिराहे सिक्के रास्ते होते हुए सीडब्ल्यूसी छात्रावास में समापन किया। इस रैली में हजारों जनजातीय आदिवासी व शहरिया विकास परिषद के पदाधिकारी उपस्थित थे। मौके पर जनजातीय वर्ग के लोगों ने सांस्कृतिक नाच गाना व जनजातीय लोक कृतियों से गौरव दिवस मनाया। साथ ही आदिवासी पर हो रहे अत्याचार को अनुविभागीय अधिकारी को बताते हुए शहरिया विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश मल्होत्रा, हरदयाल खंडेकर, केशव प्रसाद बरोदिया, जिला अध्यक्ष शहरिया विकास परिषद लखन बादुल्ला, समस्त शहरिया विकास परिषद के सदस्यों ने अनुविभागीय अधिकारी को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। इसमें ग्वालियर चंबल के समस्त आदिवासी वर्ग के लोगों की समस्याओं का निराकरण एक माह में किया जाए इसकी मांग रखी। हमारे समाज पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों को जगह जगह से हत्या कर दी जाती है। पिछली बार हमारे रामनिवास सरपंच की हत्या करके फूलों फेंकती, उसकी आज तक उसकी लाश नहीं मिली और एक पुलिस निकल गई, इसने उस पर आज तक 302 का मुकदमा दर्ज नहीं किया। साथियों, ऐसा हमारे साथ भेदभाव बन गया अत्याचार, इसके लिए ना कोई विधायक लड़ने आएगा, ना कोई नेता लड़ने आएगा, ना कोई सांसद, आपको खड़ा होना पड़ेगा जब आपकी समस्या का समाधान होगा। साथियों, कोई सुनने वाला नहीं है जब तक बच्चा चिल्लाता नहीं है और जब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। साथियों, अभी हमारे लोगों को चंद्रों से परेशान करते हैं लकड़ी छीन गोल जड़ी बूटी के लिए धन्यवाद के लिए नुमाइंदे कर्मचारी जो हमारे नौकर मालिक तो आदिवासी है इस धरती के। साथियों, कौन से नहीं कहना चाहता हूँ, बंधुआ के कर्मचारी कान खोल कर सुन ले, आदिवासियों को परेशान नहीं करे, छोटी छोटी उसके लिए तुम्हारी ईट से ईट बना देंगे हम लोग। साथियों, अभी हमारे लोग जलासी जलाऊ लकड़ी ले आएंगे और जंगलों में निवास करते हैं, उनको तुम धमाने बनवा के ये वो पुलिस तुम्हारे कान खोल कर सुन लो, जल जंगल जमीन हमारा है और बिरसा मुंडा जी ने भी वही नारा दिया था उन बुलाने का, जल जंगल जमीन हमारी है। साथियों, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा और आज हमको ये बेदखल कर रहे हमारे हक अधिकार से, इसलिए मैं सभी सरपंच लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप छोटी छोटी समस्याओं के लिए लड़े और विधायक किसी के सामने जाए और दमदारी से अपनी बात रखे, विधायक की हम समस्या के लिए लड़ेंगे। साथियों, हम बाहर के वक्ताओं को सुनेंगे, ज्यादा मेरे को बोलना नहीं है और सभी भाई शांति बना रखे, अभी बिरसा मुंडा जी के जन्म दिन उसका केक भी काटा जाएगा और खास करता हूँ 2 क्विंटल बूंदी प्रसाद भी रखाए वो भी वितरित किया जाएगा। घर को लोग जाते हैं आज कार्यक्रम पूरा सुनकर जाए और कार्यक्रम अभी हमारी बहन है जो झाबुआ से आई है और यहाँ की है, वो भी अभी नाच गाना करेंगे और स्टूडेंट छात्र बहुत क्षमा मंदिर वाला है कार्यक्रम में, कोई गलती हो तो क्षमा करे, कोई कार्यकर्ता अगर हम जो भी कार्यक्रम बना है इसलिए कोई गलती क्षमा करे। जय हिंद जय भारत। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी के जरिए जोरदार तालियां, उन्होंने हमारे बीच में हमारे समाज के उत्थान के लिए जानदार शानदार भाषण का उद्बोधन दिया।